पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पैदागोजी ऑफ इंग्लिश टोटल मार्क्स 50 थ्योरी एक्सटर्नल जिसकी बात इस वीडियो में होगी 40 मार्क्स हैं इंटरनल प्रैक्टिकल 10 मार्क्स के हैं पेपर 1.1.2 ये कहा जाता है इसको और ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिसको आप जिसमें आपने लिख लेना है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज स्किल्स है ना डेवलप करनी किसकी ये कंटेंट की यूनिट फर्स्ट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज ईजी है मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज में नॉर्मली हर लैंग्वेज की जो नेचर है वही आएगी कि ये सिम्बॉलिक है क्रिएटिव है प्रोडक्टिव है सोशल है ऑर्गेनाइज्ड है तो नेचर में कल्चरल ये इजी है डिफिकल्ट नहीं है 8 मार्क्स का बन रहा है इंग्लिश एज इंडियन कॉन्टेक्स्ट 3 है इंग्लिश एज कलोनियल लैंग्वेज और इंग्लिश एज पोस्ट कलोनियल टाइम स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ये तो इजी है आपको इजीली मिल जाएगा ये थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा इंग्लिश एज ए कलोनियल लैंग्वेज में आपको हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्कस करना होगा जो ब्रिटिश पीरियड में नॉर्मली आप इंडिया में था 16th सेंचुरी में है ना जो इसका स्टेटस था उसमें मेन पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल यूज इसका क्या था इंग्लिश लोग लेके ही इसलिए आए थे कि इसको एज ए टूल यूज इंग्लिश वॉज यूज एज ए गवर्नेंस लीगल सिस्टम एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिशनरी एक्ट के क्रिश्चियन जो धर्म था उसका प्रचार करना था इंग्लिश लैंग्वेज को उसको इंग्लिश में रिलीजियस टेक्स्ट वो फ्री बांटी जाती थी एजुकेशन का मीन्स बनाया गया हमारे क्लर्क जो पैदा किए गए कि वो इंग्लिश पीपल और हमारे नेटिव पीपल के बीच कम्युनिकेट के लिए एक लिंक बन सकें है ना ट्रेड और कॉमर्स के लिए वो कम्युनिकेशन बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए सोशल मोबिल मतलब कि बेटर जॉब सोशल मोबिलिटी क्या होती है कि आपका स्टेटस अपवर्ड जा सकता है वर्टिकल मोबिलिटी डाउनवर्ड तो अपवर्ड अगर आप जॉब लोगे तो स्टेटस अप हो जाएगा वो कैसे होगा इंग्लिश सीखोगे तो ऐसे है अच्छा कल्चरल हेजमनी के इंग्लिश कल्चर की डोमिनेशन बन सकती थी अगर लैंग्वेज का प्रचार होता है लोग लर्न करते हैं मीडिया एंड लिटरेचर टेक्स्ट बुक जो मीडिया लुधियाना में फर्स्ट जो प्रेस लगी तो ये इंग्लिश लिटरेचर का सारा इंग्लिश लैंग्वेज का प्रभाव था ये जो डेवलपमेंट हुई है कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज हो गई मतलब के इसके एक्सेंट में प्रोनाउंसिएशन में जो परिवर्तन आया डिफरेंस आया एक ही शब्द को लोग अपनी क्योंकि उनका फिजिकल और सोशल कल्चरल प्रभाव था है ना वो वेरिएशन आ गई डायलैक्ट्स डिफरेंट डेवलप हो गए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होने कई कंट्रीज ने स्टेट्स ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बना ली है ना कोरेल एंड हाइब्रिड लैंग्वेज एक तो इंग्लिश लैंग्वेज थी एक हमारी लोकल लैंग्वेज थी फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी एक मिक्सचर है इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर है ऐसे कई हाइब्रिड दो ब्रीड्स मिक्स होगी लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ये डेवलपमेंट हुई लिटरेरी एक्सप्रेशन जो राइटर थे साहित्यकार थे वो इंग्लिश के वर्ड्स को फ्रेजेस को इसकी टोन को यूज करने के लिटरेचर को यूज करने लगे इसमें लिटरेचर लिखने लगे लैंग्वेज एवोल्यूशन हुआ कि जैसे पंजाबी हमारी हिंदी है इसमें कई शब्द जो है इंग्लिश भाषा के आ गए तो एवोल्यूशन है डेवलप हो रही है आगे बढ़ रही है कोई भी भाषा डेवलप होती है जब है ना कोड स्विचिंग एंड मल्टीलिंग ये पॉइंट सारे यहां डिस्कस कर सकते हो करिकुलम पर इफेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का आज भी हम देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल है वापस चलते हैं यहाँ पढ़ना नहीं है हमने तो नॉर्मल अब का स्टेटस जो इंटरनेशनल स्टेटस है वो आप डिस्कस कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लिंग्विस्टिक एंड जनरल प्रिंसिपल तो आर्बिट्रेरीनेस है किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड के साथ जोड़ सकते हो आपने हाथी को एलिफेंट कहना है मैंने हाथी को हाथी कहना है इन्होंने टिपरी कहना है जो मर्जी है ये सिंबॉलिक रिलेशनशिप है अच्छा ये सिंबॉलिक है इंटीग्रेटेड है ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है सोशल है प्रोडक्टिविटी है क्रिएटिव है इंग्लिश इंग्लिश नहीं लैंग्वेज है ना कल्चर की ट्रांसमिशन करने का एक टूल है तो ये जनरल लिंग्विस्टिक के प्रिंसिपल आप मॉर्फोलॉजी है सिंटेक्स है सिमेंटिक्स है प्रैग्मेटिस्ट है ग्रामर है इसकी वोकैबुलरी है ऐसे आप एस्पेक्ट की बात यहाँ कर सकते हो आगे चलते हैं
ये सुजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट वो आप दे सकते हो जो गलतियां हैं, पता है डायरेक्ट मेथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन स्कूल ग्रामर ट्रांसलेशन। नॉर्मली पता है कि हम अपनी भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं, दूसरी भाषा से अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं, है ना, ट्रांसलेशन मेथड हो गया। अच्छा ये टीईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश का सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टीईटी में इसके ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। डायरेक्ट मेथड है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, एक सिचुएशनल अप्रोच है, इन तीनों में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल देखनी है, एग्जाम्पल क्या याद रखनी है, स्ट्रक्चर अप्रोच की फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स है तो रूल्स इसके पक्के होंगे, ग्रामर पर बेस्ड होगी और पूरा सिस्टमेटिक होगा, फॉर्मल होंगे। सिचुएशनल की क्या करनी है, आपको एक सिचुएशन दी जाती है, सोचो उसमें अपने डिफरेंट रूल अदा करने हैं, उस अपने रोल को अदा करने के लिए आपको लैंग्वेज अच्छे से यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो, आप एयर टिकट खरीद रहे हो, वहां पर पैसेंजर का रोल हो सकता है, दूसरे स्टूडेंट्स का कोई और रोल हो सकता है, एयर होस्टेस का रोल हो सकता है, आप वार्तालाप करते हो, तो ये एग्जांपल सिचुएशन में याद रखनी है। कम्युनिकेटिव अप्रोच है, आपने एक आर्टिकल जो आपको टीचर ने दे दिया और वो आर्टिकल आपको पेयर में डिस्कस करने के लिए कहा, दो दो के पेयर ऐसे बना दिए, आर्टिकल दे दिया, वर्ड डिस्कस कर रहे हो, ये इनसे शेयर कर रहा है, इनसे शेयर कर रहा है, इनकी इंटरेस्ट सब्जेक्टिविटी जो बढ़ रही है, आइडिया ये एक्सचेंज कर रहे हैं, मीनिंग जो समझ रहे हैं वो बेटर हो रहा है आगे, है ना, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव आर्टिकल के देख रहे हैं, तो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच है। इसको आप पॉइंट्स देखने हैं तो इस पर ग्रामर फोकस है, एवरीडे सिचुएशन है, इस पर फंक्शनल यूज है, है ना, मेथड कौन सा है, डायरेक्ट ड्रिल जो ट्रेडिशनल मेथड है, वन वे प्रोसेस है, टीचर डोमिनेट है, बोरिंगनेस ज्यादा होगी, इंजॉयमेंट कम होगी, यहां रियल लाइफ सिनेरियो है, इंटरेस्टिंग होगा, इंजॉयमेंट ज्यादा होगी, सिमुलेशन है, रोल प्लेइंग है, इंटरेक्ट है, डिस्कशन है, लैंग्वेज बेस्ड है, तो ये कितने पॉइंट्स आप बना सकते। गोल क्या है इसका, एक्यूरेसी है, ग्रामर है, रूल है, तो एक्यूरेसी होगी, प्रिसीजन होगी, है ना, यहां पर हैंडलिंग रियल लाइफ सिचुएशन है, यहां पर फ्लुएंसी है, नेचुरल कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव लैंग्वेज बनाना है, तो स्ट्रेंथ क्या है, सिस्टेमेटिक लर्निंग है, ग्रामर की स्ट्रक्चर है, यहां पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एवरीडे सिचुएशन की, यहां पर कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है, क्रिएटिविटी को फोस्टर करना है, तो ये आप स्ट्रक्चरल सिचुएशनल कम्युनिकेटिव अप्रोच डिस्कस कर सकते हो। मेथड्स एंड टेक्निक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सिंपल है, जो हम सुनते हैं उसकी क्या, अगर सुनेंगे नहीं तो अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छी वार्तालाप नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते, नॉलेज को समझ नहीं सकते, एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, ऐसी बातें होनी है इसमें। तो स्पीकिंग भी ऐसे ही है, सोशल हमारे मैनर्स हैं, सिचुएशन को देखना है, कॉन्टेक्स्ट को देखना है, ये इंपॉर्टेंस ऐसे बड़े पॉइंट बन जाते हैं, इजी है ये, है ना, आपने मीठे से बोलना है, रिस्पेक्टफुली बोलना है, सोशल जो है कल्चरल नॉर्म है उनको फॉलो करना है, डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, फोनेटिक्स है, ये आपका पार्ट ही कंटेंट का ही है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, वॉवल्स है, कॉन्सोनेंट है, ये डिफोंस है, फीचर्स ऑफ कनेक्टेड स्पीच है, स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम एंड जंक्चर, टीचिंग मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग, ऐसी राइटिंग के हुए होंगे, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग जो है स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनको जिनके बेस पर हम अच्छी राइटिंग कर सकते हैं, उनका ध्यान रखना है बच्चों को, उनको सिखाना है। फॉर एग्जांपल ग्रामर है, सिंटेक्स है, सेंटेंस कैसे बनाना है, उसके ऑर्डर क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्लॉजेज होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन्स है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, है ना, पंक्चुएशन है, कॉमा बिंदी लगाना सब कुछ पता है, स्पेलिंग है, स्पेलिंग एरर को कम करना है, वोकैबुलरी इन्हांस करना है, है ना, कैपिटलाइजेशन है, किस वर्ड को कैपिटल रखना है, इटालिक करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वैरायटी को मेंटेन रखना है, पैराग्राफिंग ऐसे ऑरेटिंग है, स्पेस है, इंटरलाइन स्पेस, इंटरवर्ड स्पेस, उसका ध्यान करना है, एडिटिंग कैसे करनी, प्रूफ रीडिंग कैसे करनी, गलतियां निकाल के उसको सुधारना कैसे है, है ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, तो बड़े पॉइंट ये बनते हैं। प्रैक्टिकल फीडबैक है बच्चे को देनी जब राइटिंग करवा रहे हो, है ना, तो कैसे करवानी है उसकी बात है,
सेंटेंस कंबाइनिंग है, फीडबैक है, मॉडलिंग है, रियल वर्ड एप्लीकेशन है, सेंटेंस को रियल वर्ड में फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लिख रहे हो, पीयर रिव्यू है, कोई राइटिंग है उसको रिव्यू करते हो, तो सिंपल मेरे ख्याल में ये डिफिकल्ट नहीं है। देखने में वर्ड आपको डिफिकल्ट लगेंगे, हमने ये कर लिए। एसेंशियल मार्क्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग, तो ये तो ऐसी, इसको सामने रख के सारे गुण लिख दो, ठीक है। तो जो बातें अभी करके आए हैं उसको भी रिपीट कर सकते हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, हाँ कम्युनिकेशन अच्छा होता है, एस्थेटिक सेंस अच्छी है, दूसरे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छी हैंड राइटिंग को पढ़ने को भी जी चाहता है, तो ऐसी बातें हैं। कॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड सुजेशन रेमेडीज, तो कॉज फिजिकल कॉज भी हो सकते हैं, स्ट्रेस भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल कॉज भी हो सकते हैं, रॉन्ग लिसनिंग हो सकती है, फैमिली में गलत बोलते हो सकते हैं, है ना, प्रोनाउंसिएशन टीचर की गड़बड़ हो सकती है, बुक्स में से एरर हो सकती है, मीडिया में से रॉन्ग मीडिया को जो कंपनी रॉन्ग है वहां से स्लैंग लैंग्वेज बोली, तो कितने ये बन सकते हैं, ये हमने मिस कर दिया। टीचिंग मैकेनिक्स ऐसे ही, रीडिंग के भी हो, रीडिंग के वो रूल जो अप्लाई करने हैं अच्छी रीडिंग को करने के लिए, है ना। मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग वेरी नॉर्मल है, आई को याद रखते हैं, यहाँ पर लंबी कर लेना है, ये इनडेप्थ बन गया। डीप लर्निंग, मैटर कम होगा लेकिन डीप पढ़ना है, इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव, इसको ई को ऐसे लिख लेना है कि अब डीप नहीं पढ़ना, मैटर लेकिन ज्यादा है, स्कोप उसका ज्यादा है, डीप कम पढ़ रहे हैं, इतना इतना पढ़ रहे हैं, है ना। तो दूसरा, सिलेबस और नॉन सिलेबस से इसको जोड़ा जाता है, जो सिलेबस है वो आपको डीपली पढ़ना पड़ता है, उसके बाद टीचर कह सकता है कि सिलेबस में जो पार्ट पढ़ा है उसको उसके उसके बेस पर कोई न्यूज़पेपर, आर्टिकल, मैगजीन, जर्नल में स्टडी करना है। तो ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग की एग्जांपल्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग किसके लिए, छोटे बच्चे हैं जिनका आईक्यू कम होता है वो भी करते हैं, अच्छा याद करने के लिए हम करते हैं, बड़े बच्चे याद करने के लिए भी कर सकते हैं। जो लाउड रीडिंग है वो पब्लिकली नहीं की जा सकती, लाइब्रेरी में साइलेंट रीडिंग होगी, डीप लर्निंग के लिए जो है साइलेंट रीडिंग होगी, है ना। तो अपने फायदे और नुकसान है, पंजाबी की बुक में मैंने तो बहुत ज़्यादा पॉइंट बना रखे हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको पता है, यूज़ ऑफ डिक्शनरी एंड थिसारसस, इसके तो मेरे ख्याल में ये तो पता ही है, डिक्शनरी का क्या मीनिंग है, जो इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं और इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं इसमें जो शामिल है वो सारे पॉइंट बन जाएंगे। वोकैबुलरी को इंक्रीज करना है तो डिक्शनरी में डेफिनेशन है, प्रोनाउंसिएशन है, एग्जांपल ऑफ सेंटेंस है ये समझ सकते हैं, थिसारसस में सिनोनिमस है, सिमिलर मीनिंग है, ओपोजिट मीनिंग है उसको समझ सकते हैं। स्पेलिंग एरर आपने देखना है, डिक्शनरी को थिसारसस को दोनों को आप कंसल्ट कर सकते हो, स्टूडेंट कंसल्ट कर सकते हैं। अंडर Understanding word use, एक word को use कैसे करना है, क्योंकि context में जो example दी गई होती है dictionary में उसको देख सकते हैं, है ना। Enhancing writing skill है, आपकी writing skill, अगर dictionary आपके पास है तो naturally vocabulary increase होगी, sentence कैसे बनना है तो writing skill उसको increase कर सकते हैं। डेवलपिंग लैंग्वेज क्रिएटिविटी है, ऐसे लिखना है, पैराग्राफ नया लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, अपने विचार अपने प्रेमी प्रेमिका को बताने हैं क्रिएटिवली, आप बता सकते हो डिक्शनरी नज़दीक रख के। लैंग्वेज एक्सप्लोरेशन है, है ना, तो आप इटिमोलॉजिकल लिटरेरी मीनिंग, किसी का रूट मीनिंग कहाँ से निकला है वो लाइब्रेरी में सॉरी डिक्शनरी में पढ़े होते हैं। तो ये सिंपल बातें हैं, ये आपकी यहाँ पर कहाँ चले गए हम, यहाँ आना था, यूज ऑफ डिक्शनरी एंड सारसस, ये हो गया, ये वाला हो चुका था। आगे कुछ है, रिसोर्स मटेरियल, लैंग्वेज कोर्स बुक, कुछ नहीं है, लैंग्वेज कोर्स बुक एक बुक है, टेक्स्ट बुक को ही समझ लेना है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, बच्चों के लिए एक्सरसाइज, टीचर के लिए एक्सरसाइज, है ना, वो गाइड कर रही है पूरी, तो उसको मैनेजमेंट लाइब्रेरी में कैसे करनी है, रोल ऑफ लैंग्वेज लाइब्रेरी इन डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स, आप बच्चों को अच्छी बुक्स ला के दोगे, अच्छी प्रेजेंट करोगे लाइब्रेरी को, अच्छे से जो इंटरेस्टिंग बुक हैं, न्यू बुक हैं वो उनको डिस्प्ले करोगे, है ना, लाइब्रेरी का पीरियड लगाओगे, लाइब्रेरी को इंटरेक्टिव बनाओगे, लाइब्रेरी की एक्सरसाइज है, कुछ कंपटीशन भी रखे जा सकते हैं लाइब्रेरी के बारे में, है ना, तो उनकी जो ज्यादा बुक्स इशू करता है उनको रिवार्ड दे सकते हैं, ऐसे ऐसे सिंपल पॉइंट है बन सकते। लैंग्वेज करिकुलम मीनिंग इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, वो नॉर्मल करिकुलम के प्रिंसिपल ही आने हैं। तो करिकुलम टोटल एक्सपीरियंस है जो हमने देना है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस है, तो इसके
चार एस्पेक्ट हैं, वैल्यूज भी हैं, एटीट्यूड भी है, नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं, इनको देना है। प्रिंसिपल्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स इसके नॉर्मल करिकुलम के ही, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, उसको अचीव करना है, है ना। तो ये हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये कंटेंट है, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, विरोधार्थी समानार्थी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो ये आपके पैडागोजी में भी आते हैं, उसमें टीईटी में भी सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस, पंक्चुएशन, ये आपकी असाइनमेंट्स है। रिव्यू ऑफ इंग्लिश कोर्स बुक है, ट्रांसलेशन ऑफ एडिटोरियल फ्रॉम पंजाबी एंड हिंदी न्यूज़पेपर टू ईच इन इंग्लिश, गुड। ये बुक्स आपकी बताई गई हैं, इनमें से आप देख सकते हो इवेल्युएशन कैसे होनी है। आपके पाँच, एक दो तीन चार यूनिट हैं, दो दो क्वेश्चन उसमें से आएंगे, दो में से आपने एक क्वेश्चन करना है जो 8 मार्क्स का होगा, 8 चौका 32 हो गए, और चार फिफ्थ यूनिट में से चार शॉर्ट आंसर टाइप आने हैं जो 2 मार्क्स के होंगे, वो भी 8 का हो गया, और ये 40 मार्क्स का हो गया। और ये आपका पेपर पिछली बार इंग्लिश का कैसा आया है देख सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन है। डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, डिफाइन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड एंड डायरेक्ट मैथड ऑफ इंग्लिश, ये हो गया, दोनों में से एक करना है। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट, एक्सप्लेन वेरियस फीचर ऑफ कनेक्टेड स्पीच, छोटा तो नहीं है, इसको बड़ा कर दूँ, ये लो बड़ा हो गया, ये भी बड़ा करके देख लो, नहीं दिखाई दिया तो, है ना। डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, ये है डिफरेंस बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट है यूनिट टू, एक्सप्लेन द वेरियस फीचर ऑफ कनेक्टेड स्पीच, डिस्कस द वेरियस मेथड एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। थर्ड यूनिट है डिफाइन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग लैंग्वेज करिकुलम। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ कैन लैंग्वेज लाइब्रेरी विल हेल्प टू डेवलप इन रीडिंग हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स, अभी जो डिस्कस किया है, है ना। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्सप्लेन एटोनमस एंड सिनोनिमस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड एक्सप्लेन हाउ दीज कैन बी यूटिलाइज टू इम्प्रूव राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। फिफ्थ है, दो दो को नंबर के क्वेश्चन है, गिव 4 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मैक्सिम की है ईजी से डिफिकल्ट की ओर जाना है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है, है ना, नियर से फार की तरफ जाना है, ऐसे मैक्सिम्स है, वेरी इजी। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्पेलिंग एरर, फिजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं कॉजेज, है ना, कितने बन सकते पॉइंट। व्हाट इज द रिव्यू ऑफ, है ना, रिव्यू है, कोर्स बुक है, उसमें आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखते हो क्या ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वोकैबुलरी है, स्पेलिंग एरर है, आइडियाज है, थीम्स है, रेलेवेंस है उसकी, ऐसे रिव्यू करते हो। राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ, है ना, खुद ही लिखने हैं, 2-4 शब्द चुन के उसके विरोधार्थी लिख देने हैं, ये इंग्लिश का है। इसके रिगार्डिंग कोई सुजेशन हो, मेरे रिगार्डिंग कोई सुजेशन हो, वो भी आप दो। थैंक यू।